नमस्कार पारा शिक्षक समाचार में आप सभी का स्वागत है। एक सप्ताह में तैयार होगी पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली। पारा शिक्षकों के लिए बिहार की नियमावली हूबहु लागू होगी, लेकिन कल अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। इसको लेकर पारा शिक्षकों ने मंत्री का विरोध भी किया है, शिक्षा मंत्री का आवास के बाहर नारेबाजी भी की है। नियमावली में प्रावधान क्या क्या होगा? 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे, 5200 से 20000 का वेतनमान मिलेगा, वेतनमान में प्रतिवर्ष मानदेय में 3% की बढ़ोतरी होगी, सरकारी कर्मी के समान अवकाश मिलेगा, सीमित आकलन परीक्षा 100 अंक की होगी, परीक्षा में सामान्य वर्ग को 45% अंक और अन्य वर्ग को 40% अंक लाना होगा। राज्य के शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली एक सप्ताह में तैयार हो जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। राज्य के पारा शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान के लिए पूरी तरह बिहार की नियमावली को लागू किया जाएगा। पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक बुधवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, शिक्षा सचिव, शिक्षा परियोजना निदेशक शामिल हुए। बैठक में पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाने को लेकर पिछली बैठक में लिए गए निर्णय पर विचार किया गया। पारा शिक्षकों की मांग के अनुरूप बिहार की तर्ज पर नियमावली बनाने की सहमति दी गई। इसके तहत पारा शिक्षकों को सीमित आकलन परीक्षा देनी होगी। जो पारा शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास हैं उन्हें परीक्षा नहीं देनी होगी। बैठक में मानदेय वृद्धि पर भी विचार किया गया, इस पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी। 3 बार फेल होने पर सेवा समाप्त करने का प्रावधान। बिहार की नियमावली लागू करने पर अगर 3 बार कोई पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा में असफल होता है तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। झारखंड के पारा शिक्षक इस पर सहमत नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा में असफल होने पर भी उन्हें नहीं हटाया जाए। शिक्षा मंत्री की ओर से भी पारा शिक्षकों को यह आश्वासन दिया गया था कि जो शिक्षक परीक्षा में सफल नहीं होंगे उन्हें हटाया नहीं जाएगा, उन्हें वेतनमान नहीं मिलेगा, शिक्षक अपने मानदेय पर कार्य करेंगे। पहले होगा सत्यापन। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू होने पर आकलन परीक्षा के पूर्व उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। झारखंड में अब तक 7% पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है। इसे लेकर विभाग द्वारा पूर्व में भी जिलों को निर्देश दिया गया था। बिहार की नियमावली में आरक्षण रोस्टर का भी पालन किया गया है। पारा शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा ड्राफ्ट। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। बैठक में पारा शिक्षकों को कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराया गया। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के ऋषिकेश पाठक ने बताया कि नियमावली का ड्राफ्ट पारा शिक्षकों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। पारा शिक्षक नियमावली पर अपना सुझाव देंगे। बिहार की नियमावली में आवश्यकता होने पर आवश्यक बदलाव किया जा सकता है।